हे गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिटिंग लेकर आ गए हैं जो इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं, तो अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आप लोग को इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप लोग को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है फोको। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग के सामने देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सर्च वाला आइकन पर टाइप करेंगे, सर्च हो जाएगा। फर्स्ट में आप लोग का एप्लीकेशन आ जाएगा फोको डिजाइनिंग, ठीक है गाइस। सिंपल सा देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लोगो एंड गाइस कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा यहीं से हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट दिख रहा है आप लोग के सामने, ठीक है गाइस, वीडियो एडिटिंग का। तो आपसे सबसे पहले आप लोग को 3D वाला फर्स्ट वाला इसी को ओपन कर लेना है। टेम्पलेट को एड आएगा तो आप लोग एड को वॉच करना है, एड नहीं आएगा तो और ही बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। एड कट आउट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा आप लोग के सामने। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। ये गर्ल वाला फोटो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग को एक प्यारा सा फोटो ले लेना है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड में यहाँ पे राइट वाला आइकन दिख रहा है। सारा कुछ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखेगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग करना नहीं सीख पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा वाला फोटो पे आ जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कटआउट है, तो आप लोग को फोटो को बैकग्राउंड कटना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को सेम फोटो लेना है जो पहले में एड किए थे, वही आप लोग को दोबारा फोटो एड करना है, ठीक है। एड करने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फोटो को रिमूव कर सकते हैं ओनली फॉर वन क्लिक के अंदर इसी एप्लीकेशन में, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा फोटो ऐड होने के बाद आप लोगों को फिर से फोटो वाला आइकन पर टैप करना है। जैसे आप लोग टैप करेंगे तो गाइस यहां पर देख सकते हैं रिमूव का आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। डाटा को ऑन रखना है, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद गाइस फाइनली यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट वाला आइकन पर टैप कर राइट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो फिर से यहाँ पे दूसरा वाला फोटो गर्ल के फोटो वाला आइकन पर टैप करेंगे। जैसे आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो आप लोग को सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है गाइस। फोटो पे क्लिक करना है और एक प्यारा सा फोटो ले लेना है जिसमें आप लोग को जो एडिट किया है वो फोटो आप लोग को ले लेना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे के साइड में राइट वाला आइकन पर टैप करके इसको राइट कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करेंगे, बिना बैकग्राउंड वाला फोटो को लेना है, ठीक है गाइस। सेम प्रोसेस करना है जैसे आप लोग पहले किए थे, सेम प्रोसेस वही करना है। इसको भी फोटो को ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। सेम फोटो ऐड करना है, ठीक है भाई। दो दो फोटो ऐड करना है सेम, ठीक है गाइस। तीन बार फोटो को ऐड करना है, दो दो फोटो सेम, ठीक है गाइस। इसको लेने के बाद फिर से आप लोग को फोटो वाला आइकन पर टैप करना है। जैसे आप लोग फोटो वाला आइकन पर टैप करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक क्लिक के अंदर यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सेम प्रोसेस करना है, फिर से आप लोग को फोटो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से बिना बैकग्राउंड वाला फोटो को आप लोग को ऐड करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को तीन फोटो सेलेक्ट करना है, सेम फोटो को ऐड करना है और यहाँ से राइट करना है। जैसे आप लोग राइट करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है गाइस, ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग वेट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद गाइस आप लोग का वीडियो कुछ इस टाइप का 3D बनकर रेडी हो जाएगा। देखने में काफ़ी ज़्यादा भौकाल तरीके से और गाइज काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से एडिटिंग हो चुका है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे थे सेम एडिटिंग हो चुका है, ठीक है गाइज। तो इसको सेव करने के लिए सिंपल सा ऊपर के साइड में एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वीडियो भी सेव हो जाएगा। और आप लोग के सामने एड आता है तो आप लोग को एड को वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया है, सेव टू एल्बम, ठीक है गाइज। तो मेरा वीडियो सेव हो चुका है गैलरी के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से गैलरी ओपन करके यहाँ से वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो काफ़ी भौकाल तरीके से मस्त तरीके से बनकर रेडी हो चुका है जो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिटिंग कीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तब के पास नोटिफिकेशन